गत शनिवार पोताना पिता साथे नवसारी खाते आईटीएस नी परीक्षा आपवा आवनार बिलीमोराना वीर सिंह नामना शीख युवान नु मौत नी पछता ते घटनाना अनुसंधान मा बिलीमोरा खाते थी शीख समाज नु एक मोटू डेलिगेशन घटना स्थळे आव्यो हतो। नवसारी नगरपालिकाना अंधेर वहीवट ने पगले बिलीमोराना शीख समाज नो 22 वर्ष नो आशास्पद युवान पारसी हॉस्पिटल ने सामेनी गली मा आवेला पालिका द्वारा निर्मित बंद पड़ेला शॉपिंग सेंटर ने खुली गटर में पड़ी जता मौत ने पेढ़ियो हतो। आ घटना बाद आज बिलीमोराना शीख समाज नो एक मोटू डेलिगेशन नवसारी खाते बनेला आ बनावना घटना स्थळे आवी पहोंच्यो हतो अने आ स्थळ उपर नवसारी नगरपालिका तरफ थी भोळी निर्दोष प्रजा ने भेट मौत नो कूवो नाम नो बेनर लगावी नवसारी नगरपालिका ना भ्रष्ट अने अंधेर वहीवट सामे आक्रोश व्यक्त कर्यो हतो। जणाव्यु हतु के तंत्रए मात्र खाना पूर्ति करी छे। 22 જુલાઈ નવસારી શહેરમાં 2 કલાકમાં 10 થી 12 ઇંચથી વધુ વરસાદ નોંધાતા સડકો ઘરો અને દુકાનોમાં પાણી ભરાયા હતા। શહેર જળબંબાકાર થઈ રહ્યું હતું તો એક તરફ કરુણ ઘટના પણ સામે આવી હતી જેમાં બિલીમોરાનો 19 વર્ષીય યુવાન વીરસિંહ સરદાર પિતાની સાથે પાલિકાની ખાડી પાસેથી પસાર થતી વખતે તેનો પગ લપસી જતા તે પાણીના વહેણમાં ખેંચાઈ જતા મોતને ભેટ્યો હતો। આ ઘટનાના ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડ્યા છે। मृतक युवान ना परिवार जनोए आज शॉपिंग सेंटर पास आवी खाड़ी पर मौत नो कूवो लखाण वाळू बेनर लगावी पालिका ने विरोध कर्यो हतो। मृतक ना परिवार जनोए वोर्ड नंबर 13 ना तमाम नगरसेवकों नी कामगिरी ने पण ढीली गणावी हती। आवा नगरसेवकोए नैतिकता ना धोरणे राजीनामु आपी देवुं जोईए तेवी मांग पण करवामां आवी हती। मृतक वीरसिंह ना काका सुनीलसिंह ना जणाव्या मुजब मारो भत्रीजो पाणी उपरथी पसार थई रह्यो हतो तेनो पग लपसी जता ते पाणीमां गरक थईने मोतने भेट्यो हतो। जो आ जग्या पर हुं पण होत तो पण हुं पण तणाई गयो होत। पालिका द्वारा ही कोई पण बेनर के बेरिकेटिंग करवामां आव्युं नथी जेने कारणे मारो भत्रीजो अकाळे मोतने भेट्यो छे। પાલિકાએ જવાબદારો સામે પગલા લેવા જોઈએ અને જવાબદારોને સસ્પેન્ડ કે ટ્રાન્સફર નહીં પરંતુ ડિસમિસ કરવો જોઈએ। આવા પદાધિકારીઓને કારણે સરકારની છબી ખરડાઈ રહી છે। ત્યારબાદ આખું ડેલિગેશન નવસારી નગરપાલિકાના પ્રમુખ જિગીશ શાહ તેમજ ચીફ ઓફિસરને રજૂઆત કરવા માટે પાલિકાએ પહોંચ્યું હતું ત્યારે પાલિકા દ્વારા આ ઘટના બાદ ઘટના સ્થળે પતરા લગાવી અને બેરિકેડ ઊભી કરી પાલિકાને ઇજ્જત ઢાંકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે પરંતુ કોઈનો 22 વર્ષનો યુવાન દીકરો મોતને ભેટ્યો તે બાબતે શું કાર્યવાહી કરે તે જણાવવામાં આવ્યું નથી ત્યારે આ ઘટનાના અસરગ્રસ્ત પરિવારને પાલિકા દ્વારા કે સરકાર દ્વારા શું વળતર કે સહાય આપવામાં આવશે તે અંગે હજુ કોઈ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો નથી। નવસારી નગરપાલિકાની કામગીરી બાબતે હાલમાં પડેલા વરસાદ બાદ અસરગ્રસ્ત થયેલા લોકો સમગ્ર શહેરમાં આક્રોશ વરસાવી રહ્યા છે ત્યારે આ બનાવ બાદ પણ પાલિકા હવે શું કાર્યવાહી કરે છે તે જોવું રહ્યું। સર ક્યા કહે સકતે હૈ હમારા બચ્ચા થા મેરે ભાઈ કા લડકા થા એજ્યુકેશન પડતા હુઆ બચ્ચા થા વો કેનેડા જાને કે સપને થે ઉસકે ઓર કેનેડા મે જાકે અગર હાદસા હોતા ના ઉસકા દુખ નહીં હોતા લેકિન હમારે ગાંવ હમારે શહેર મે અગર એસા હાદસા હો જાતા હૈ બહોત હી દુખદ ઘટના હૈ વો બચ્ચા यहाँ पे जो प्रशासन से अभी वो किस तरीक़े से काम कर रहा है वो आपको दिख रहा है। माना कि यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा बहाव था, ये फैसिलिटी तुरंत नहीं हो सकती थी, लेकिन लोकल जो कॉरपोरेटर है उनको ये चीज़ की तो भनक थी ना कि यहाँ पे इतना पानी के बहाव से ऐसा रिस्क हो सकता है। एक घंटा दो घंटा कोई बंदा बिठा के उनको जैसे रोक सकता था कि भाई वहाँ से जा नहीं सकते आप, यहाँ पे आप जाके खतरा है, कोई भी बंदा अनजान इंसान उस बात को समझ सकता है, अपना रुख बदल सकता है। आप देखो जैसे ये दुकानें बनी हुई है और पूरा यहाँ तक का पानी है, अगर उसकी जगह पे मैं भी होता तो यही सोचता कि वहाँ तक अगर मेरे कपड़े सूखे हैं मुझे एग्ज़ाम देनी है तो मैं इसके ऊपर चढ़ते चढ़ते वहाँ से फिर कूद के वहाँ से निकल जाऊँ। जैसे आपने देखा है कि यहाँ पर मौत का कुआँ बना हुआ है और वो पानी से दिख नहीं रहा है, कोई भी अनजान इंसान अगर उनकी जगह मैं भी होता, सूझबूझ वाला कोई भी इंसान होता, उस कुएं में गिरना ही गिरना है। मैं देख सकता हूँ तो क्या देख सकता हूँ, तो कि रास्ते पे जब इतना पानी है तो शायद यहाँ पे इतना पानी ही होगा ना, क्या पता कि ये दुकान के नीचे ही कुआँ बना हुआ है और उसको ऐसे खुला रखा हुआ है इंसानों की जान लेने के लिए।
आप भी समझदार हो, हम क्या कहना चाहते हैं, मीडिया पूरी जानती है, दुनिया पूरी जानती है कि अभी तक भी प्रशासन ने इसको जैसे मजबूती से बनाना चाहिए, दो दिन हो गए हादसे को, अभी तक उन्होंने बनाया नहीं है। तो क्या यहाँ पे जो कॉरपोरेटर है उनकी कोई जवाबदारी नहीं है? क्या हेलीकॉप्टर से कुत्ते के बच्चे को रेस्क्यू किया जा सकता है? इंसान की बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है? यहाँ से हमको बताया गया कि 6 गटर जा रही है 4 गटर जा रही है, छोटे छोटे पाइप हैं। हमको अभी अंदाजा आ रहा है कि इतनी बड़ी गटर लाइन जा रही है, उसमें से अगर भैंस भी गिरती ना तो भी 5 मिनट में वहाँ पे आ जाती। अगर आप रेस्क्यू करना चाहते थे तो बहुत 1 घंटा आधा घंटा के अंदर उसको रेस्क्यू किया जा सकता था, शायद कुछ परिणाम अलग होते। हमको यही बताया गया है कि अंदर आदमी गए हैं, ऑक्सीजन लेके गए हैं, 3 बंदे उतरे हैं, 6 बंदे वहाँ पे हैं, 4 बंदे वहाँ पे हैं। हम रोते रहे, गगड़ते रहे, हम इतने तादाद में हम लोग थे, पर हम मजबूर थे। आग होती तो शायद हम कूद जाते, ये हमारा विषय नहीं है, हमको पता नहीं, हमको तैरना नहीं आता है बस, नहीं तो तैरना आता हुआ तो समुंदर में कूद जाते हम बच्चे के लिए। ये क्या चीज़ थी? हम मजबूर होकर देख रहे थे, 6 घंटे के बाद NDRF की टीम आती है और रेस्क्यू करती है सिर्फ आधे घंटे में। अगर वो टीम बिल्लीमोरा में, हम बिल्लीमोरा के रहवासी हैं, अगर वो टीम, जो बंदा आया था वो मुझे पहचानता है, मुझे बोल रहा था कि भाई हमको अगर 3 घंटे 4 घंटे पहले अगर बता दिया होता तो और जल्दी हो जाता। गुजरात लेवल में, पूरी गुजरात में ओनली फॉर एक ही ऐसा हादसा उस दिन बना था जहाँ पे रेस्क्यू की ज़रूरत थी। हम मानते हैं कि अगर ज़्यादा जगह ऐसे होता और 10 जगह अगर रेस्क्यू करना पड़ता और NDRF की टीम बिजी है तो हम उस चीज़ को समझते, लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं भाई। बिल्लीमोरा से यहाँ आना उसको 1 घंटा लगता, ज़्यादा ज़्यादा आधे घंटे का रास्ता है, अगर समझो कि ट्रैफिक है तो 1 घंटा 1.25 घंटा 1.5 घंटा। 6 बजे के बाद वो टीम आती है, हम किसको पूछें, इसका जवाब किसके पास लें, सवाल किसको करें, आप मीडिया बताइए हमें, हम किसके पास ये सवाल करें कि 6 घंटा क्यों लगा, NDRF की टीम को 6 घंटा क्यों लगा, किस लिए? ये पीड़ा हमारी आपके माध्यम से हम किसी भी पार्टी को या किसी भी पद अधिकारी को हम बदनाम नहीं करना चाह रहे हैं, ना हमारी ऐसी कोई छवि है, सिर्फ हमको ये सवाल का जवाब चाहिए कि बच्चा जो हमारा गया उसके पीछे हम कसूरवाद किसको माने। सिर्फ इतना ही था ना कि यहाँ पे लाइव में 1 घंटा आधा घंटा उसको रोकना था, जब लोकल पब्लिक ये मेहनत कर रही है, लोकल पब्लिक काम कर रही है, वो बचा रही है, लोगों को बोल रही है कि आप यहाँ से मत जाओ, अब यहाँ से मत जाओ, दोनों तरफ खड़ी थी पब्लिक, तो क्या प्रशासन का काम नहीं है? रिपोर्ट NTC न्यूज़ नवसारी।